हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th अकाउंटेंसी इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक हमारा चल रहा है। रिडम्पशन के डिफरेंट केसेस हैं हमारे, जहां पर रिडम्पशन जो होती है वो प्रीमियम पर होती है या पार पर होती है। तो वो रिडम्पशन के केसेस में एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आया था, उसको और आपके साथ डिस्कस करना है। इससे पहली वीडियो में हम जो बाकी केसेस थे वो कर लिए थे, तो आज सिर्फ इस वीडियो में एक ही उस क्वेश्चन को देखेंगे कि उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ये वो क्वेश्चन है। यहां हमें बोला गया कि अलोक लिमिटेड ने 7000, एक डिबेंचर 500 का है, ये आप इशू करना चाहते हैं, और इसको जो इशू आप कर रहे हो वो प्रीमियम पर कर रहे हो और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर है। तो दो चीजें हैं, ये वो केस है जिसमें इशू डिबेंचर प्रीमियम पर है और रिडम्पशन भी डिबेंचर की किस पर है, प्रीमियम पर। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट कितना निकलता है अगर हम वो देखें, तो वो हमें पता चलता है कि वो 35 लाख का अमाउंट। अब इस 35 लाख पर पहले तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि ये जो है किस पर है, इशू प्रीमियम पर, कितने के प्रीमियम पर, 50 रुपए के प्रीमियम पर। कितने डिबेंचर हैं हमारे, 7000। तो 7000 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 लाख का तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका आएगा। फिर ये 10% जो है ये क्या है, रिडम्पशन प्रीमियम पर। इसके लिए आपको दो जगह ये अमाउंट डालना पड़ेगा, एक डालना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, साथ ही साथ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये अमाउंट आपको इन दो अकाउंट में भी डालना पड़ेगा। कितने का, 35 लाख का। 35 लाख का कितने परसेंट बोला है, 10%। तो जब 35 लाख का 10% निकालते हैं तो वो 3.5 लाख रुपए आता है। तो कोइंसिडेंटली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी इतना ही है और जो लॉस ऑन इश्यू या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो भी कितना है, 3.5 लाख रुपए। तो ये तो वो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट थी जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो जो बैंक वाली एंट्री होती है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो पहली जो एंट्री होती है बैंक वाली, उसमें क्या बोला गया है कि देखिए, बोला गया है कि 200 रुपए जो है वो एप्लीकेशन पर मिलने हैं और बैलेंस मतलब कि 300 रुपए जो है वो कहां मिलेंगे आपको, अलॉटमेंट पर। तो अब हम 500 से एक साथ एंट्री पास नहीं कर सकते, सबसे पहली तो कंडीशन ये है। तो अब हम क्या करेंगे, 7000 डिबेंचर हैं हमारे, 200 रुपए तो है एप्लीकेशन के, तो जब कुछ मेंशन ना हो तो जो ये प्रीमियम का अमाउंट होता है और ये जो लॉस ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये दोनों ही आइटम, ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों अलॉटमेंट की एंट्री में आएंगे। तो अभी यहां हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एप्लीकेशन के समय। एप्लीकेशन के समय 7000 को 200 से मल्टीप्लाई आप करोगे और 14 लाख रुपीज जो है आप बैंक से रिसीव करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन में डालोगे, फिर यही पैसा आप डिवेंचर एप्लीकेशन से निकालकर इनके डिवेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अब आती है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होती है पहले ड्यू। तो जब ड्यू होगी तो आप 7000 डिवेंचर पर 300 रुपए तो ये बचे हुए हैं और 50 रुपए आपके प्रीमियम के बचे हुए हैं, तो टोटल 350 है। तो डिबेंचर अकाउंट के अंदर तो जाएंगे 7000 × 300 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएंगे 7000 × 50। तो जब हम 7000 को 300 से गुना करते हैं तो 21 लाख आता है। ये हम निकाल ही चुके हैं 3.5 लाख रुपए, ये आएगा मेरा 3.5 और 21 और 3.5, ये मिलकर सारा आपके डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
तो ये हो गई हमारी नॉर्मल एंट्री। बट क्योंकि इसमें रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो इसको भी आपको इस एंट्री में ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करोगे? यहां लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, साढ़े तीन लाख रुपए अमाउंट, इसीलिए पहले कैलकुलेट कर दिया था। और यहां लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, साढ़े तीन लाख रुपए। ठीक है, अब जो ये डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है इसका पैसा आपको बैंक से मिल जाएगा, तो आपको 24,50,000 रुपए बैंक से मिलेंगे और डिबेंचर अलॉटमेंट का अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये थी वो एंट्री जहां आपका रिडेम्पशन की कंडीशन थी प्रीमियम वाली, उसके साथ हमें जनरल एंट्री पास करनी थी और अमाउंट सारा एक साथ नहीं मिल रहा था, किस्तों में मिल रहा था। तो किस्तों में मिलेगा तो आप क्या करेंगे? पहली एंट्री पर कुछ भी नहीं डालेंगे आप, ना तो प्रीमियम डालेंगे, ना डिस्काउंट डालेंगे, ना रिडेम्पशन वाला जो ये वाला पोर्शन है ये वहां डालेंगे। ये आएगा आपका अलॉटमेंट की एंट्री में। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। थैंक यू।